Hello friends, welcome in electrical mantra. आपका स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल मंत्रा. मैं हूं आपका दोस्त गोविंद शर्मा. आज हम बात करेंगे कि हमारी जो मोटर होती है उसके लिए हम कैपेसिटर कैसे सेलेक्ट करते हैं. तो हाउ टू सेलेक्ट कैपेसिटर फॉर ए मोटर. तो पर्टिकुलर कोई मोटर दी गई होगी आपको और ये बोलेगा कि उसके लिए हमें एक कैपेसिटेंस सेलेक्ट करना है, कैपेसिटर सेलेक्ट करना है, तो कैसे करें. तो ये हमारा क्वेश्चन है आज, जिसके बारे में हम कैलकुलेशन करने जा रहे हैं. अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास हमारी वीडियो सबसे पहले पहुंच सके. तो देख लेते हैं कि मोटर क्या है. हमारी एक मोटर है जो दी गई है. लेट अस टेक ए मोटर हैविंग पावर फैक्टर. मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया अपने पास से जिसका पावर फैक्टर क्या है, 0.75 उसका जो पावर फैक्टर वो लैग कर गया है. और मोटर की स्पेसिफिकेशन मैं आपको बता दूं, 25 किलोवाट की जो हमारी वो मोटर है. और यू हैव टू इम्प्रूव पावर फैक्टर टू 0.9. तो हमारा जो पावर फैक्टर हो यूनिटी होता है, यूनिटी के बराबर तक हम ले जाने की कोशिश करेंगे. तो यही क्वेश्चन दिया गया है आपको कि जो पावर फैक्टर हो 0.75 से इम्प्रूव कैसे करें हम 0.9 तक. यही हमारा क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चन है. तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं, पावर फैक्टर इम्प्रूव करने के लिए हम कैपेसिटर यूज़ करते हैं. अगर आप यह वीडियो पूरा देखेंगे तो बिल्कुल आपको बखूबी समझ में आएगा. और प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले. तो स्टार्ट करता हूँ मैं. जो फार्मूला होता है इसके लिए, तो हम जो कैपेसिटेंस होता है उसको हम KVR, जो उसकी बड़ी वैल्यू है वो KVAR है. तो इसी फार्मूले में मैं इसी को मद्देनज़र रखते हुए इसी के बारे में बात करने जा रहा हूँ, यानी कि जो हमारी वैल्यू आएगी वो KVR में आएगी. तो मैं स्टार्ट करता हूँ. जो फार्मूला होता है हमारा, F4 फार्मूला इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय tan θ1 माइनस tan θ2. यहां पर मैं आपको बता दूं, जो P है वो पावर है यानी कि 25 किलोवाट, और जो tan θ1 है वो हमारा जो पावर फैक्टर 0.75 है इसका एंगल है, और जो tan θ2 है वो 0.9 का एंगल है. यानी कि जो पावर फैक्टर होता है उसको हम क्या लिखते हैं दोस्तों, cos phi लिखते हैं. तो cos phi जो हमारा यहां पर है 0.75. तो अगर मैं यहाँ पर थीटा की 1 की वैल्यू निकालूँ, मैंने बताया टेन थीटा है जो वो यहाँ पर कोस फाई जो पहला हमारा दिया गया है इम्प्रूवमेंट से पहले जो हमारा पावर फैक्टर है उसके द्वारा लिया गया एंगल है. तो यहाँ से अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालूँ तो कोस इनवर्स हो जाएगा, कोस ऑफ इनवर्स जो हमारी यहाँ पर 0.7 है इसका कोस ऑफ इनवर्स, ये हमारी थीटा की वैल्यू आ जाएगी. और ये आएगी हमारी, मैंने पहले ही कैलकुलेशन कर लिया दोस्तों, 41 point something आएगी. ये हमारी थीटा की वैल्यू. अगर इस थीटा की वैल्यू को मैं tan θ1 में पुट करूंगा तो tan जो θ1 है इसमें पुट करके आप कैलकुलेटर का प्रयोग कर सकते हैं. इसकी अगर मैं वैल्यू देखूं तो 0.881 हमारी वैल्यू आएगी. ऐसे ही हमें जो tan θ2 निकालना है, tan θ2 उसमें हमें जो थीटा की वैल्यू लेनी है वो 0.9 के अकॉर्डिंग लेनी है. तो 0.9 के अकॉर्डिंग अगर हम लें तो कोस इनवर्स करेंगे हम, कोस इनवर्स 0.9 करके हम यहाँ पर निकालेंगे तो कैलकुलेटर का प्रयोग कर सकते हैं आप. तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो 0.482 समथिंग ऐसी वैल्यू आएगी. तो अब हमारे पास tan θ1 की वैल्यू है, tan θ2 की वैल्यू है, हम यहाँ पर हमारे पास P की पावर की भी वैल्यू है. तो इस फार्मूले में पुट करें अगर तो F = 25 0.881 माइनस 0.482
82। तो ये हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 25, माइनस करने के बाद आएगा वो आएगा समथिंग, आएगा यहाँ पर 0.81 के समथिंग आएगा। और ये इसको बारी बारी अभी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और ये यहाँ पर जो हम घटा भी सकते हैं, जो 0.811 माइनस 482, तो 40 कुछ समथिंग जितना भी आएगा, तो उसको करने के बाद हमारी जो यहाँ पर वैल्यू आएगी वो आएगी 9.92। और मैं आपको बता दूं, इस फॉर्मूले से वैल्यू आएगी वो केवीआर में आएगी। तो ये हमारा जो फार्मूला है वो केवीआर में कन्वर्ट करने का फार्मूला है, बता दिया। एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं, पावर इंटू 10 थीटा माइनस 10 थीटा 2, ये हमारा फार्मूला है। इसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि जो केवीआर है अगर उसकी वैल्यू गिवन हो तो उसको माइक्रो फेराड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये वीडियो नेक्स्ट आएगी, इसको भी देखें। और अगर ये वीडियो आपको समझ में आई हो तो प्लीज़ थोड़ा लाइक करें और कमेंट करना न भूलें। यहाँ पर मैंने सब्ट्रैक्शन इसलिए नहीं किया ताकि थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी। अब यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करेंगे और समथिंग करेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए नहीं किया। तो थैंक यू दोस्तों, आपको बस फार्मूला याद होना चाहिए और बाकी आप सब कुछ निकाल लेंगे। धन्यवाद।